वेलकम। एपिसोड के शुरू में शिओरी को हम कॉमिक बुक पढ़ते हुए देखते हैं और ये कॉमिक उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये कॉमिक का जो मेन कैरेक्टर है वो भी उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये बात बोआ के इचिरो को बताती है। फिर बात करते करते वो लोग कहते हैं ठीक है चलो अब हमें और टेस्ट करना चाहिए कि हम दोनों एक दूसरे के साथ कैसे रह सकते हैं। हमें देखना चाहिए हम दोनों एक दूसरे से कितने दूर रह सकते हैं। इसके पहले हम दो स्टेशन दूर थे तब मुझे बुखार आया था। चलो अब देखते हैं, पहले तुम एक स्टेशन में जाओ और वहाँ पर ट्रेन में चढ़ो। फिर हम सियोरी को देखते हैं कि वो स्टेशन में ट्रेन के पास खड़ी हुई है। दूसरी तरफ इचिरो सोच रहा है पता नहीं वो अब तक स्टेशन में ट्रेन में चढ़ी कि नहीं। तभी उसे बहुत अजीब सा फील होता है और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि शिओरी बहुत लोगों की भीड़ में ट्रेन में खड़ी हुई है। फिर जब वो आमने सामने होते हैं इचिरो उसे कहता है तो लगता है तुम्हारा जो मेंटल स्टेट है उसका भी इफेक्ट मेरे ऊपर पड़ता है, पर चलो हम ये तो समझ गए एक स्टेशन दूर होने पर हमें कुछ नहीं होगा। फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ रहने के लिए एक अलग अलग ट्राई करने लगते हैं कि वो एक दूसरे को कैसे टच कर सकते हैं, कैसे बात कर सकते हैं ताकि पहले जो हुआ था वैसा फिर से ना हो। फिर शिओरी उसे एक रोमांटिक कॉमिक दिखा के कहती है इसमें ये जो पोज है पीछे से ये मुझे करना है, तुम एक काम करो तुम मेरे पीछे से। फिर हम देखते हैं कि इचिरो उसके पीछे पीछे तो जाता है पर वो उसे पकड़ने से हिचकिचा रहा था क्योंकि वो उसके बाल उसे देख के उसको बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लग रहा था कि वो एक लड़की को ऐसे पकड़ने के जा रहा है, पर वो फिर भी पकड़ लेता है। और हम देखते हैं शिओरी को तो अच्छा लगता है पर इचिरो को बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील हो रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि वो लोग अग अलग रोमांटिक पोजेस ट्राई कर रहे थे। फिर वो एक बहुत ज़्यादा ही रोमांटिक पोज करने जा रहे थे तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे माची और फूमियो आते हैं। माची उन्हें ऐसे देख के चौंक जाती है और फूमियो की आँख बंद करती है और फिर कहती है तुम्हें पता नहीं है जिस घर में बच्चे हैं उस घर में ये सब ऐसे करना माना है। उन दोनों को देख के शिओरी और इचिरो की भी हालत बिल्कुल ठीक नहीं था। तभी शिओरी अपने आप को संभाल के कहने लगती है माफ करना तुम जैसी सोच रही हो वैसी बिल्कुल नहीं है, हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि हम एक दूसरे के साथ कैसे रह सकते हैं। पर फिर भी माची जाते जाते कहती है जो भी हो तुम लोग जो भी कर रहे हो करो, पर मैं ये पता नहीं आई थी कि भैया आपका फ़ोन आया है। ये सुन के इचिरो शिओरी से कहता है अच्छा हम लोग ये बाद में करेंगे, तुम एक काम करो तुम्हें जो जो करना है तुम जो जो करना चाहती हो अपना एक डायरी बनाओ और उसमें लिखना शुरू कर दो ताकि तुम वो सब कंप्लीट कर सको। दूसरी तरफ हम देखते हैं म्यूरिको ने कॉल किया है और वो कहता है तुम्हारा आर्ट और कलर पेजेस मुझे बहुत पसंद आया, इसमें एक्शन पहले से बहुत अच्छा हुआ है पर इसमें ना थोड़ा सा लव स्टोरी का मुझे कमी लग रहा है, तुम एक काम करो इसको थोड़ा सा रीडू करो और इसमें थोड़ा सा लव इमोशन लाओ, आखिरकार इमोशन ही सब कुछ है। और यह कहते कहते उसका आग भी चमक रहा था। दूसरी तरफ यह सब सुन के इचिरो को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और उसकी हालत तो और ज़्यादा ख़राब हो जाता है। फिर माची को दिखाया जाता है, उसको दूसरे रूम से क्लीनर की आवाज़ आती है इसीलिए वो वहाँ पे जाके देखता है इचिरो वैक्यूम क्लीनर से रूम क्लीन कर रहा है और ये देख के वो कहती है ज़रूर कुछ हुआ है ये बिल्कुल सीरियस है। हम देखते हैं कि इचिरो अपना रूम और बाकी सब क्लीन कर रहा होता है। मासी उससे पूछती भी है क्या हुआ, इचिरो कहता है नहीं नहीं कुछ नहीं सब ठीक है, पर उसकी हालत हम देखते हैं कि बिल्कुल ठीक नहीं है। दूसरी तरफ शिओरी को दिखाया जाता है कि उसकी डायरी अब कंप्लीट हो चुकी है और वो उसमें लिस्ट बना चुका है, उसमें जैसे कि अपने नेबर्स से बातचीत करना उनसे जाके इंट्रोडक्शन करना लिखा था। इसलिए हम देखते हैं कि वो अपने हाथ में कुछ गिफ्ट लेके इसरो के वहाँ पे आती है और कहती है ऐसे तुम कोई भी गिफ्ट ले सकते हो, ये मुझे अपने नेबर्स से इंट्रोडक्शन करने के लिए है। पर इचिरो उसे कहता है कि अगर तुम करना ही चाहती हो तो एक काम करो क्यों ना सबके लिए चिट्ठी लिखो फिर सबको गिफ्ट दे दो क्योंकि तुम सबसे नहीं मिल सकते, सब अपने अपने काम पे होते हैं। ये आइडिया शिओरी को बहुत अच्छा लगता है और इसीलिए वो यही करने जाती है। सीन शिफ्ट होता है, कुछ देर बाद हम देखते हैं कि चिहिरो घर पे आती है। शिओरी जाके उसे वेलकम करती है और अपने हाथ में जो गिफ्ट और चिट्ठी था वो उसे देख के कहने लगती है माफ़ करना पहली बार जब हम मिले थे हम दोनों का इंट्रोडक्शन अच्छे से नहीं हो पाया। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से अच्छे से इंट्रोडक्शन करते हैं। फिर चिहिरो कहती है क्या तुमने बाकी सबको ये दे दिया, शिओरी कहती है नहीं मैं उन सब से नहीं मिल पाई वो सब घर पे ही नहीं थे। हम देखते हैं कि ये सुन के चिहिरो उन सबके डिटेल्स बताने लगती है किसको क्या देना चाहिए कौन क्या करता है। ये सुन के शिओरी भी वैसा ही करती है सबको चिट्ठी और एक एक गिफ्ट दे देती है। तभी वहाँ पे इचिरो भी आता है, इचिरो को भी वो एक चिट्ठी देती है और कहती है ये तुम्हारे लिए स्पेशल है। सीन शिफ्ट होता है, रात का समय दिखाया जाता है कि इचिरो शिओरी का दिया हुआ चिट्ठी पढ़ रहा था और उसमें लिखा था कि हम दोनों दोस्त हैं और मैं चाहता हूँ कि हमारा रिलेशनशिप और ज़्यादा गहरा हो,
ये सुन के उसके मन में तो लड्डू फूटने लगता है, पर वो कहता है नहीं, अब ऐसा नहीं चलेगा, अपने आप को शांत करो और तुम्हें अपने काम में भी फोकस करना है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं सब कोई अपना अपना गिफ्ट खोलता है और चिट्ठी पढ़ने लगता है, सब कोई बहुत खुश है। फिर सुबह का सीन दिखाया जाता है, जब वो उठती है तब इचिरो उसे बताता है कि देखो व्हाइट बोर्ड में सभी ने तुमको थैंक यू कहा है। सीन शिफ्ट होता है, इचिरो को दिखाया जाता है, वो सोच रहा है कि प्लॉट में रीडू करके आखिर स्टोरी को कैसे डाले और क्या करे, ये सब सोचते सोचते उसको बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा था। हम देखते हैं पीछे से माची और शिरो ये देख रही थी, और फिर माची शिरो से कहती है कि पता नहीं उसको क्या हुआ, वो बिल्कुल सीरियस है अपने प्लॉट को रीडू करने के लिए। ये सुन के शिवरी कहती है पता नहीं मैं क्या करूं, अगर मैं उसकी कोई हेल्प कर सकती तो बहुत अच्छा होता। तभी बेल बजता है और बेल का आवाज़ सुन के माची बहुत खुश होती है। तभी बाहर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम मोने होता है, और वो बहुत ही हंस के माची से कहती है कैसी हो, मैं पहले की तरह फिर से अपील पाई लेके आई हूँ। फिर वहाँ पे इचिरो भी उसे देख के बहुत खुश होता है, और खाते टाइम हम देखते हैं सब एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तभी इचिरो शिओरी से कहता है तुम्हें पता है ये जो मोने है ये तुम्हारी फेवरेट कॉमिक बुक उसका राइटर है। ये सुन के तो शिओरी का खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था, वो खुशी से कहने लगती है क्या सच में तुमने ये कॉमिक लिखा है, तुम्हें पता है ये मैंने कितना बार पढ़ा है, बहुत बार, और क्या माफ़ करना ये समय ठीक नहीं है, पर क्या तुम मुझे ऑटोग्राफ दे सकती हो। उसको ऐसी एक्साइट होते देख के मोने बहुत खुश होती है। फिर हमें पता चलता है वो भी इचिरो के साथ काम करती थी, फिर बाद में उसकी शादी हो गया। पर दूसरी तरफ शिओरी अपना एक्साइटमेंट में कहती है क्या तुम्हारे पास कोई काम है असिस्टेंट का, मैं करने के लिए तैयार हूँ। पर उसके पास कोई काम नहीं था, और वो उसे कहती भी है क्या तुम डिजिटल आर्ट कर सकते हो। पर शिओरी कहती है मुझे ज़्यादा इस बारे में तो एक्सपीरियंस नहीं है। फिर मोने कहती है कोई बात नहीं, मेरे पास एक पुराना टैबलेट पड़ा हुआ है, तुम चाहो तो उसमें ट्राई कर सकते हो और सीख सकते हो। फिर बहुत सारे बातें करने लगते हैं, और हमें पता चलता है कि इचिरो और मोने बचपन से दोस्त है। ये सब सुन के शिओरी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं खाना खाने के बाद मोने बाहर से चली जाती है। फिर जब रात में इचिरो अपने डेस्क में प्लॉट के बारे में सोच रहा था तभी उसे कुछ अजीब सा फील होता है, और वो शिओरी के रूम में जाता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं वो दोनों बाहर आके बातें कर रहे होते हैं। बाप शिओरी कहती है माफ़ करना मेरी वजह से तुमको तकलीफ़ हुआ, पर एक्चुअली ये क्या हो रहा है मुझे खुद ही नहीं पता, ये मेरे अंदर क्या चल रहा है। तुम और मोने कितने अच्छे दोस्त हो, और तुम दोनों के बीच ये देख पता नहीं मेरे दिल में ये मुझे कैसा फील हो रहा है, क्या ये जलन है। ये सुन के इचिरो कहता है क्या इसमें कोई जलने की बात नहीं है, और वैसे भी अब उसकी शादी हो चुकी है, अब ये सब सोचने का कोई फायदा ही नहीं है, तुम रिलैक्स रहो। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि शिओरी बहुत ही गंभीर होकर सोचता है क्या ये जलन है, क्या दूसरी लड़की तुम्हारे साथ रहने से क्या मैं जल रहा हूँ, क्या ये प्यार है। फिर वो इचिरो की तरफ घूम के कहता है मुझे लगता है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। फिर इचिरो कुछ कहने जा ही रहा था, वो उसे रोक के कहती है माफ़ करना पर ये फीलिंग मेरे अंदर चल रहा है, उसे चलने दो, मुझे अच्छा लग रहा है ये फीलिंग, और वो वहाँ से दौड़ के अंदर चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं इचिरो की भी ये सुन के बहुत बुरी हालत है, और वो कहने भी लगता है क्या लव। इसी के साथ दोस्तों ये एपिसोड ख़त्म होता है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,